दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है, 11 फरवरी को नतीजे आने हैं। फिलहाल जो एग्जिट पोल्स सामने आ रहे हैं उसमें एक बार फिर से केजरीवाल बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक जो दिल्ली में मौजूद थे, गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह दिल्ली में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उसी दौरान उन पर आम आदमी पार्टी ने पैसे बांटने का आरोप लगाया था। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से सांसद है, राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक वीडियो ट्विटर पर जारी किया था जिसमें के जो गिरिराज सिंह हैं उनको बंधक बना लिया गया था और जनता जो है वो खूब उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। उस वीडियो को लेकर आज जब पटना पहुंचे हैं गिरिराज सिंह, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने इसको लेकर केजरीवाल पर खूब हमला किया, आम आदमी पार्टी पर हमलावर नज़र आए और साफ किया कि 11 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि दिल्ली के मतदाताओं ने किन मुद्दों पर वोट किया है। भारत माता की जीत होगी, शाहीन बाग और शर्जील इमाम हारेंगे। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान है कि आप पैसा बांटा है आपने। यार वो सब गया, उसने जो किया हमारी जानलेवा हमला किया था और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि आज वो मुंह भार गिरा। हम तो गए थे दुकान में सामान खरीदने, हमारे परिचित थे और वो उन पर केस भी कर रहा किया। इसलिए वो आदमी चाहता था कि एक विवाद पैदा करें बिहारी वर्सेस नॉन बिहारी। कौन थे इसके पीछे कोई? और वो आए थे खास वर्ग जिसका नाम नहीं लेना चाहता वहीं से, और वो हमला करना चाह रहा था। दुर्भाग्य से पुलिस आ गई जो उनकी मंशा पूरा नहीं। दिल्ली में क्या होगा? आपने भी दिल्ली में किया? भारत माता जीतेगी, शर्जील इमाम इस्लामिक स्टेट हारेगा। जूता खोला अरविंद केजरीवाल ने, उसी हाथ से उसने मंदिर में पूजा की है आज। देखिए जो आदमी अदाकारी करता है, केजरीवाल साहब कभी हनुमान जी को राक्षस भी कह चुके हैं। केजरीवाल साहब शर्जील इमाम के साथ भी खड़े शाहीन बाग में दिखे केस के मुतल्लिक, और जब बिगड़ता हुआ माहौल देखे तो फिर हनुमान चालीसा भी आधे अधूरे पढ़ने लगे, हनुमान जी के चरणों भी चले गए। कौन सा चेहरा उनका है? शर्जील इमाम, शाहीन बाग, हनुमान जी राक्षस या हनुमान जी दुख भंजन? तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे DHD News के साथ। नमस्कार।